Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों का आंदोलन जारी है। आज अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस क्रम में आज कचहरी परिसर स्थित कोषागार में एमडीए स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर भी ताले डाल दिए गए। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया। हाईकोर्ट में बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बैनर तले चली आ रही है। अधिवक्ताओं की हड़ताल 15 सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। 16 सितंबर को समिति की आगामी बैठक जिला बार एसोसिएशन में मेरठ में आहूति की गई। इस बैठक में आंदोलन की भारी रणनीति तय की जाएगी। हापुड़ में लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता हापुड़ डीएम व एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस घटना में 151 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। इनमें पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 53 पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है। आज मेरठ में अधिवक्ताओं के आंदोलन का यह नजारा रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वालेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।